होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, जो वहां पर कारकुनान मौजूद है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नून लीग की जानिब से कोई ऑफिशियल, कोई इंतजामिया या कोई सीनियर क्यादत वहां पर पहुंचे जो उनसे बात करे, उनको मजीद जोश दिलाए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, खिताब करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए ही ऐलानात करते हुए दिखाई देंगे। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर मौजूद है नुमाइंदा आज न्यूज हुमा भट्ट, उनसे मजीद जान लेते। हुमा भट्ट बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्या इंतजाम हैं, क्या नून लीग की कोई सीनियर क्यादत वहां पहुंची है? देख रहे हैं यहाँ पर के अहम जो जरिए कायदीन हैं वो हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो इस वक्त स्टेज पर जितने भी इंतजाम है वो जो लैनर आप कह रहे थे जरा उसके पास जाके देखिए आवाज आ रही कि नहीं आ रही, जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो चेक किए जा रहे हैं। ये बादशाही मस्जिद की तरफ जो लैनर लगे हुए हैं उनका जरा मुझे बताओ, वहाँ पर भी आके चेकिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर चुका हुआ है। और अगर कारकुनों के बारे में बात करूँ तो इसी वक्त आपको नीचे मेरे स्पीकर भी देखो, जो स्पीकर लगे उनमें भी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, लाइनर के अलावा स्पीकर भी चेक करो। और अच्छी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर फ्रंट पे हमें दिखाई दे रही है, गो कि ये वो तादाद नहीं है जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जलसा में होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ क्योंकि हम लोग जितनी भी लाइन है मुकम्मल की बड़ी पहुँचती है, अभी तक खवातीन का इंक्लोजर जो है वो इतना ज्यादा नहीं भर रहा, वहाँ पर बहुत कम तादाद जो है मेरे ख्याल में हुमा भट्ट टू अर्ली भी है, पता नहीं अभी लग ऐसा रहा है कि तकरीबन 5-5:30 बजे तक यहाँ पर कोई रौनक शुरू होगी। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और सूरज भी मेरे ख्याल में अब अरूज पर होगा 12 बजे, तो हम 1-2 बजे के बाद ही लोगों की एक बड़ी तादाद देखेंगे। फुटेज में हम देख सकते हैं कि लेब्राडोर्स ट्रेंड है जिनसे चेकिंग की जा रही है पूरे एरिया की, तो उस हवाले से भी जरा बताइएगा। ओवरऑल इसके पूरे के पूरे कश्मीर, मैं बताऊं यहाँ पर पेशावर जो है वो जब बलोचिस्तान है तब से ही यहाँ पर मीर मकाम का हलका शुरू कर दिया गया था, स्टेज और पंजाब के मुकम्मल हो चुका हुआ था, जो कि 80 फीट लंबा और 40 फीट जिले से कैबिन एक बना दिया गया है, बुलेट प्रूफ जो कराची से मियां साहब जहाँ से खिताब करेंगे और नवाज शरीफ के चाहने वाले सजावट वगैरह जो है वो की जा रही है, तमाम रखी जा रही है, जो जुलूस अभी पंडाल में है एंटर हुआ है उसे नीचे मेरी उनसे गुजारिश है सारी की सारी बड़े मेहरबानी साथियों को और तमाम राइट जो है वो दिखाई दे रही है, किसी को भी आने की पंडाल है वहाँ पे साथियों को बुलाते जाए, एक जुलूस अभी पंडाल में दाखिल हुआ है, हम सुन सकते हैं बैकग्राउंड में कि एक पंडाल यहाँ इस वक्त दाखिल हुआ है। इतलात तो यही थी कि यहाँ पर चूंकि दूसरे शहरों से भी काफिले आने हैं, कुछ पता चला है कि सबसे पहले यहाँ पर इस वक्त कौन पहुंचा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह की रहमत से काम जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पेशावर से अपनी धरती उनका काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है, कदम रखने का वो टाइम खुशामद आ गया है और इसी तरह गिलगित जिसका हर मुस्लिम लीग को हर पाकिस्तान को इंतजार था भी यहाँ पर खुशामदीद कहा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आजाद कश्मीर से कुछ काफिले जो है वो पहुंच चुके हुए हैं, जो पंजाब के एरिया से हैं उनमें मियां वाली का मैंने यहाँ पर देखा है, मुजफ्फरगढ़ के यहाँ पर लोग कुछ देखे हैं वो यहाँ पर आ चुके हुए हैं, जो मेन कायदे दीन है वो इस वक्त तो यहाँ पर फिलहाल पहुंच गया वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ ही देर में क्योंकि यही साइड के ऊपर यहाँ पर काफिले आ रहे हैं तो उनकी खातिर तवाजो के लिए सुबह नाश्ते का बंदोबस्त तो था, अब क्या दोपहर के खाने के लिए भी तैयारियां होंगी? देखिए बिलाल यासीन की तरफ से क्योंकि ये इंतजार किया गया है पीछे की साइड पर चाहे तो कुछ छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं, वहाँ पर एक तंदूर भी बना हुआ है जहाँ पर रोटियां लगाई जा रही हैं और साथ में देगे भी बनी हुई है जो कि यहाँ पर पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त नाश्ते के लिए ये अहवाल था और अभी थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिरयानी यहाँ पर पहुंच जाएगी, बिरयानी यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ कारकुनान के लिए क्या वो बनाया जा रहा है या कोई सेपरेशन अलग रखी गई है इस चीज की या सब कारकुनान को एक साथ ही बिठाया जाएगा? एंट्री भी जो है उधर से वो है, हम लोगों ने
कल देखा था और आज भी देखा है। अभी फिलहाल हमें खबर तीन का इंक्लोजर सेपरेट एसएच कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये जरूर है कि अभी मेरे मेल पर सारे के सारे जो मेल कारकुनान है वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे अपने वालिद के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, लेकिन हमें खवातीन की बड़ी तादाद जिसके बारे में कहा जा सकता है वो नहीं है। कुछ खवातीन हमें दिखाई दी है जो कि स्टेज के ऊपर हमें दिखाई दी है वो वहाँ पर पहुंची हुई है और वहाँ पर थोड़े से इंतजाम जो है उनको देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको चेकिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम पुलिस एहलकार मौजूद है, और अगर बाहर का एरिया भी देखा जाए तो बाहर इस पार्किंग के एरिया में हमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो गाड़ियों की वैन्स की दिखाई दी है जो कि यहाँ पर पहुंची हैं। बहुत सी बसेस यहाँ पर दिखाई दी हैं जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो तब हमने देखी हैं, और अभी भी वो वैन्स और वो बसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है पार्किंग एरिया में, और यहाँ पर भी वही दो बातें हुआ बट आपसे मजीद भी जानिए। एक तो अनाउंसमेंट भी हो रही है कि खवातीन के लिए एक एंट्रेंस का अलग से गेट बना दिया गया है और उसी गेट से उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो एंटर हो ताकि उनके लिए जो नशिस्तें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं वो बहासानी वहां तक रीच कर सकें। ये बता दीजिएगा कि सिंध से जो काफिला रवाना हुआ था वो कब लाहौर पहुंचना है और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं और पूरे पंडाल में कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं? पंडाल की कुर्सियों में अगर जिक्र किया जाए तो 40,000 से ज्यादा का मतलब जो है वो बताया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें वो कुर्सियों जो है वो बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पीछे ही यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी है कि कुछ यहाँ पर ट्रक्स वगैरह रखे हुए हैं जिनमें कुर्सियां भी हैं। और अगर हम लोग काफिलों का जिक्र करें तो 12 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर काफिले जो है वो पहुंच रहे थे सिंध से, जिन्होंने 12:30 बजे और 1 बजे के करीब का ये टाइम जो होगा और उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो है वो पहुंच शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर अगर पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन पर तो रेलवे स्टेशन से भी यहां तक का सफर जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और वहां से भी आते हुए कुछ टाइम लगेगा। सो इस वजह से 2:30 बजे तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर सिंध से जो काफिले 2:30 बजे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पे काफी तादाद में काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और पंडाल भरता चला जाएगा। तकरीबन शाम को 7-7:30 बजे तक नवाज शरीफ का खिताब मुतवक्के है और इससे पहले भी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द खिताब शुरू कर दिया जाए ताकि कारकुनान ज्यादा इंतजार